कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें, क्या मतलब। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, आप सबका स्वागत है मैजिकल वर्ल्ड ऑफ आवर ओन वैदिक विजडम। सनातन, शाश्वत, सत्य, परत दर परत अपने अंदर के ईश को पहचानने का सतत निरंतर प्रयास। हेलो, वेलकम बैक वंस अगेन टू द पंच तत्वा बैलेंसिंग। अभी तक आप सब ने जाना कि कैसे ये पंच तत्वा हमारे सराउंडिंग्स में हमको असर डालते हैं, क्या इम्बैलेंसेस होते हैं, क्या बैलेंसेस हैं, क्या वास्तु के हिसाब से क्या डायरेक्शंस, दिशा हम पे असर करती हैं। अब हम बढ़ेंगे अपने सेल्फ के लिए, हमारे अंदर की एयर, हमारे अंदर का वाटर, हमारे अंदर का फायर, क्या ये एलिमेंट्स कैसे पता चलते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे एयर। आर यू क्यूरियस, कभी सोचा कि कई बार हम एक पर्टिकुलर वे में ही क्यों रिस्पॉन्ड करते हैं, रिएक्ट करते हैं, चाहे कितना ही अपने आप को हम कन्विंस करें, समझा लें कि नेक्स्ट टाइम से ये रिस्पॉन्स, ये रिएक्शन नहीं होगा। तो हम चलते हैं एयर। एयर क्या है? जितना भी क्रिएटिव एस्पेक्ट है हमारा, जितनी भी हमारी को चाहते हैं, म्यूज़िक है, जो हमारी हॉबीज़ है, जो हमारी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, जो हमारा चुलबुलापन है, एयर मूवमेंट है, छोटी छोटी चीज़ों को संजोना, किसी को गिफ्ट भी करना हो तो छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठे करके अपनी सोच उसमें मिलाना, म्यूज़िक के वर्ल्ड में एक इंटरेस्ट रखना, क्रिएटिव क्राफ्ट, ड्राइंग, एनीथिंग विच इज़ क्रिएटिव इज टर्म्ड एज एयर। फिर इसमें आगे आता है एयर लाइक्स ट्रैवल, मूवमेंट है, स्पॉन्टेनियस है। ये सब तो हो गए फिजिकल ट्रेट देखते हैं। क्या है फिजिकल ट्रेट? जो नीचे की जॉ लाइन है वो थोड़ी बहुत अनइवन होगी, हेयर थोड़े से ब्रिटल साइड पे होंगे, स्किन ड्रायर साइड पे होगी। ये सब तो चीज़ें आपको एयर डिफाइन करने के लिए कि अपने अंदर हम एयर एलिमेंट को कैसे पहचाने, क्या इसका रोल है। अब इसकी हम बात करते हैं इम्बैलेंस। अगर ये इम्बैलेंस है तो इंसोमनिया होगा, नींद ना आने की शिकायत, डिप्रेशन टाइप का हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सोच विचार होगा, चीज़ें ना कर पाने की एक वो होगी। इन सबको एक बैलेंस में लाने के लिए हमें इसको बैलेंस करना होगा, हमें अपनी दोबारा से हॉबीज़ को जगाना होगा, हमें वही चीज़ें करनी होंगी दिन के 5-10 मिनट जो हमें खुशी देती हैं। हम हर एलिमेंट को कैसे बैलेंस करें वो नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे।